राइट गाइज, मॉड सारे कंप्लीट हो चुके हैं। गाड़ी का लुक दिखाता हूँ, 3, 2। तो गाइज देखो, ये जो पैनल खोला था ये भी अलग से रैप हो चुका है। हमने चूज किया इसमें एवरी डायमेंशन का, चूज किया, ब्रांडिंग देख सकते हैं कंपनी की। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। पिछली मैंने ग्रैंड विटारा पर एक क्रेजी सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करी है, ऊपर भी माउंट लगाया था, तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर लेना। और जब से ग्रैंड विटारा मैंने परचेज करी, आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ मॉड्स मैंने प्लान करे, बट कमर्शियल शूट्स के कारण, एग्जाम्स के कारण मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज जैसा कि आप देख सकते हो, शास्त्री मार्केट आ चुके हैं और फाइनली आज हम हमारी ग्रैंड विटारा का ब्लैक रूफ कराने वाले हैं। टॉप वेरिएंट वाला फील तो ठीक है, बट पहले से मुझे रूफ रैप कराने की इच्छा थी, तो बहुत ही मजा आने वाला है। पहले कैसे लुक्स दिख रहे हैं वो शो करूंगा, बाद में कैसा क्या लुक में डिफरेंस आ रहा है वो बताऊंगा, क्या कुछ कॉस्टिंग आने वाली, क्या चीजों का ध्यान रखना है, सारी बातें करेंगे। ग्रैंड विटारा लवर्स एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार अभी इतनी दिख रही है मार्केट में, देखो एक और आई है यहाँ शास्त्री मार्केट में। मेरे ख्याल से बेस मॉडल है सिग्मा वाला। चलो चलते हैं, इसके पीछे पीछे ही चलते हैं। और यहाँ क्या है गाइस, देखना शास्त्री मार्केट इंदौर में जैसे आओगे ना, यहाँ से लोग रोकना चालू हो जाते हैं। सब ये चालू हो गए देखो, हाँ ये गाइस, इनको क्या ऐसा मन होता है, उड़ा दो इन सबको। सब रोकना चालू हो गए, और वैसे ही मतलब फिर कोई जा ही नहीं पाता, पहले ही रोक लेते हैं यहाँ पर, तो जिस दुकान पे जाना है वहां तो कोई जा ही नहीं पाता। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अपनी ये वाली शॉप है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आ गए हम, और अभी पूरे मतलब इसकी पूरी साइज वगैरह मेजर कर ली। अराउंड 50 स्क्वायर फीट आया पूरे रूफ का। और जैसे कि आपने टॉप वेरिएंट में देखा होगा, इसका जो सी पिलर है ना इधर, मतलब ये जो सिल्वर वाला पिलर है कवर नहीं होता, बट मैंने ये भी करा लिया, तो मतलब प्रॉपर वाला लुक आएगा। और अभी जो हमारी ये रिबिंग थी हट चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो शैम्पू के पानी से क्लीन कर रहे हो? तो अपना गाय का पानी रहता है। अच्छा, तो गाइस वैसे तो मैं सुबह गाड़ी धो के लाया था, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि कुछ शैम्पू से सुबह मैंने आज इतनी ठंड में धोई, बट फिर भी यहाँ पर क्लीनिंग तो होती है। और ये पूरी रिब्स जैसा कि मैंने आपको बताई हटा दी है, जिससे मतलब पूरा एक बिना कुछ कट हम कराने वाले हैं। बस ये वाला जो पिलर है ये सेपरेट होगा। एंटीना नहीं होता ना ब्रेप? ये रहता ना। अच्छा होता है ये भी ब्रेप? नहीं रेट क्या होगा ये? अच्छा ये अलग से लगाएंगे, वो मेरे लग नहीं पाएगा ना सिंगल पूरा। बाकी अपना वो साइड से निकलने जैसा इशू तो नहीं आएगा ना? अच्छा लिक्विड एंड में लगता होगा ग्लू। तो आज आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे होता है ब्लैक रैप, एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम आगे क्लियर करेंगे। अभी मैं मनीष भैया से भी मिलाता हूँ, एंड बाकी रैप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैट ब्लैक है ना, ये मैं सिंपली छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर रैप नहीं करा रहा, बिकॉज अभी देखेंगे फिल्म तो लगाऊंगा नहीं, बट जो सनशेड्स है वो मैं शोरूम से ही परचेज करूंगा, वो पूरा कवर हो जाएंगे सी पिलर तक। अच्छा यहाँ बाउंड्री पे पहले ही अप्लाई करके रख लेते हैं ये प्राइमर। ये इसकी मेन दिक्कत ही एजेस से आती निकलनी। सो ये सिल्वर पैनल है पूरा खुल के लगे हुए। तो गाइस अगर आप भी रैप करा रहे हो ना, तो ये वाला बाहर से नहीं होता, इसको पूरा खुल के प्रॉपर होगा, तो जिससे मतलब इसके एजेस से निकलने वाली कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ऊपर से ही करेंगे, बट वो ऐसा नहीं होगा, अलग से मतलब पूरा इस पर कट के होने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही प्रॉपर काम होने वाला है, देखते कैसे क्या रिजल्ट रहेगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा, वीडियो पर बने रहना। तो गाइस देखो ये पैनल को रिमूव कर लिए यहाँ से, मतलब इसे अगर कंपनी प्रोवाइड करती है ना, तो अलग से एक ग्लॉसी ब्लैक का भी ऑप्शन देना था, जिसे अपग्रेड कराना है वो पहले ही मतलब निकाल के करा सकता है। रैप आ चुका है, अभी पूरा चेक कर रहे हैं, और अभी मनीष भी आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। अभी चलेंगे हम ऊपर, पर पहले एक बार रैप चेक कर लेते हैं पूरा। सभी पूरी मेजरमेंट ले रहे हैं इसकी। राइट गाइस, नीचे देख सकते हो आप गाड़ी पे रैप हो रहा है, और नीचे इतना रश था, मनीष भैया को भी अभी टाइम मिला तो हम ऊपर आ गए। कैसे हो मनीष भैया? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। तो जैसा कि मतलब मेरा आना ही नहीं हो रहा था, मैं जब से गाड़ी लिए 1 महीने बाद आया हूँ,
तो मैंने रैप का बोला तो भैया ने बोला कि रेडियम किस किस टाइप्स के आते हैं एक बार व्यूअर्स को बता देना। जैसे कि अगर हम रैप करने जाते हैं तो रैप में आपको बहुत सारे लोग विनाइल दिखाएंगे, रेडियम दिखाएंगे, रैप दिखाएंगे। अब जो रेडियम पे जाते हैं, अगर रेडियम या विनाइल पे जाते हैं, उसको अगर आप लगाएंगे वो पहली बार तो जॉइंट में लगेगा, अच्छे से लगेगा नहीं। उसमें फेविक्विक का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जब उसको निकालने जाओगे तो निकालने के बाद वो सिंगल पीस में नहीं निकलेगा, वो टुकड़ों में निकलेगा, और जो आपका ओरिजिनल पेंट है एक तो वो खराब कर देगा वो। और अगर जैसे हम जाते हैं रैप पे, अब जो रैप हमने चूज किया है इसमें एवरी डेनिसन का चूज किया। आप ब्रांडिंग देख सकते हैं कंपनी की, ये यूएस का ब्रांड होता है तो ये काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। मतलब हम जो फुल बॉडी रैप भी करते हैं वो इस क्वालिटी में करते हैं कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, अच्छे कम रेट में अच्छी क्वालिटी की पड़ती है। अब इसको जब आप निकालोगे तो आपका ओरिजिनल पेंट सेफ रहेगा, कोई डैमेज नहीं रहेगा, सिंगल पीस में निकलेगा और कोई गम ग्लू कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपके ओरिजिनल पेंट पे। और अभी हीट इतनी थी बाहर की हमें ड्रायर की भी जरूरत नहीं पड़ी, और भैया ने पहले ही ऐसा बोला कि अगर कलर वलर खराब नहीं कराना है, रूफ को सेफ रखना है, तो फिर अच्छा ही रैप लगाने में वर्थ रहेगा। तो गाइस यार नंबर तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, कौन सी भी गाड़ी पे रैप कराना हो भैया को कॉन्टेक्ट कर लेना। और अभी दुकान भी रिनोवेट पूरी हो चुकी है शॉप, तो हम इस पर भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो अभी पूरा मैं आपको आगे काम दिखा देता हूँ, और कुछ भी डाउट्स हो तो बेझिझक भैया को कॉल कर लेना। इसमें मतलब आपके अकॉर्डिंग ये ब्रांड अच्छा रहता है? मतलब ये मैंने मेरी खुद की जो ओल्ड i20 थी वो भी उस पे मैंने ग्रे कलर का इसी ब्रांड का रैप कराया हुआ था। और कस्टमर की भी जितनी मैं गाड़ियां करता हूँ सब इसी क्वालिटी पे करता हूँ। इसमें अगर आपको हायर जाना हो तो 3M वगैरह भी ऑप्शन मिलते हैं, बट वो काफी महंगे पड़ते हैं, तो आप इतना स्पेंड करना है मतलब सामने वाले को लुक के लिए चाहिए, जैसे कि मेरे को लुक के लिए चाहिए, तो फिर यार मैं 10-15 हज़ार क्यों बिगाड़ू। एग्जैक्टली, अगर लुक के लिए चाहिए और मतलब अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप इस ब्रांड पे आप जा सकते हो, नो डाउट इसकी अच्छी क्वालिटी। 4-5 हज़ार रुपए तक का आपका बजट है एक SUV में? मतलब देखो वो तो मीटर से वेरी करेगा, बट आपको मतलब 5-1 हज़ार तक का बजट है, अच्छा रैप चाह रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी तो चलते हैं नीचे, काम दिखाते हैं व्यूअर्स को। तो मतलब टायर की जरूरत ही नहीं पड़नी, इतनी गर्म होती। चलिए गाइस यार रूफ ब्लैक करा रहे हो ना, तो मतलब व्हाइट के ऊपर जो उठ के दिखता है ना रैप, और कौन से कलर पे नहीं दिखेगा व्हाइट, और दूसरा मतलब सिल्वर, बाकी अगर आप ब्लू रेड इन पे करा रहे हो ना तो इतना इनहांस नहीं होता जितना व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लगता है। तो गाइस स्टॉप हो चुका है कवर, अब पूरा साइड का जो पिलर है वो रैप कराएंगे एंड तक, एंड देन उसके बाद हमारे जो सिल्वर वाले मैंने आपको बताए थे साइड के पिलर, उसको भी कराना है। हल्का सा आगे का ब्लैक हुआ है गाइस, लुक देखो यार क्या नेक्स्ट लेवल आ रहा है। वो एक तो टॉप वेरिएंट वाला फील तो देती है, एंड व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो यार आप खुद बताना, बिकॉज एंड में मैं आपको शॉर्ट्स भी सारे दिखाऊंगा कार के कंप्लीट होने के बाद पूरा। तो गाइस देखो ये जो पैनल खोला था ये भी अलग से रैप हो चुका है प्रॉपर, मतलब खोल के कराना तो निकलने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट करते तो फिर आ सकता था। पर आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब ओपन करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए भैया बोल रहे थे कि इसको मतलब सिंगल में ही लेना पड़ेगा। मैंने बोला आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रहे वो कर दो। रैप कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर अभी जो हमने प्लास्टिक के पैनल्स निकाले थे वो लग रहे हैं, और अभी मैंने अंदर फ्लोरिंग का भी कर लिया, बिकॉज देखो मैंने शोरूम से मैट्स नहीं लगवाए थे, अभी आप देखोगे ना मैंने मॉल से खरीद के ये डाल दिया था, बिकॉज मैंने सोचा था 3-1 हज़ार अपने मैट्स वगैरह में बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रॉपर फ्लोरिंग कराएंगे। तो मैं आपके लिए सारे सिंगल मॉडिफिकेशन प्लान करने वाला था, लाइक हेडलाइट वगैरह, बट मैंने सोचा यार फ्लोरिंग बहुत इसेंशियल है, फ्लोरिंग तो यहाँ पर करा लेते हैं। और जो स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी है ना वो यहाँ पर है, आपको मैं दिखा दूँ एक बार, जो लोग कॉमन लोगों के डाउट्स आते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है उसमें नीचे आती है बूट में। भाई के हाथ जमे हुए, फटाफट खोल ली 2 मिनट में। इनका भी काम चालू हो गया है देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट रैप कंप्लीट हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ यार रियर ग्लास पे थोड़ी सी फिल्म लगा लूँ, बिकॉज बाकी तो कहीं साइड में हम लगाएंगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ प्राइमर से लगाई है क्या अपन ने ये वाली बॉर्डर? अरे यहाँ से बस निकलने का इशू ना है, इसीलिए अपन पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो आप देख सकते हो अंदर पूरा है, फिटमेंट प्रॉपर हो चुका है, ऐसी तो कोई दिक्कत आई। इनका काम कहाँ तक आया भाई का? तो काम फटाफट ही है यार कंप्लीट।
पीछे बचा हुआ है, बाकी आगे तो कर दी 20-25। हाँ मतलब बाकियों के लिए 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। भाई ने इधर कितना अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ हो। बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो फिल्म वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट पीछे से मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ी लगान लेनी चाहिए। भैया बोल रहे थे कि सिर्फ 35% विजिबिलिटी वाली लगाओ। मैंने बोला नहीं यार, कम से कम 50 तो चाहिए। तो रियर ग्लास पे हमने 50% फिल्म लगा ली है। बाकी आसपास तो मैं कहीं भी फिल्म नहीं लगाऊंगा बिकॉज नेक्स्ट आके ही मैं सनशेड्स लेने वाला हूँ। बाकी अब लुक देखना बैक प्रोफाइल का, बहुत ही प्यारा आने वाला है फिल्म के बाद। तो गाइस ये लग चुकी है 50%। बहुत ही हल्की दिख रही है बट हाँ मतलब जस्टिस नहीं हो पाएगी, बढ़िया लग रही है। काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कितनी क्या कॉस्टिंग आई, कैसी क्या फिनिशिंग है, यहाँ से पहले जल्दी से बिल पे करते हैं, फिर आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सो बाकी तो लुक चेकआउट कर लो आप एक बार। यानी यार ब्लैक कलर मतलब देखो अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, रैप हुए हुए और ऊपर आप देख लो अभी से कितनी गंदी हो गई। चलो अब जल्दी से लोकेशन पर चल के बाकी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो भैया कहाँ से आए? बुरादपुर से। कौन सी वाली वीडियो देख के? थार वाली। सो गाइस थार वाली वीडियो मनीष भैया के साथ बनाई थी और अभी एक और पहले थार वाले भैया आए थे। तो लो यार रीच, आपको कुछ कंटेंट चाहिए स्पेसिफिक तो हम जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं बिकॉज आप शॉप भी पूरी रिनोवेट हो चुकी है, जल्दी कंटेंट आएंगे। तो भैया भी थार लेके आए। राइट गाइस मॉड सारे कंप्लीट हो चुके हैं, गाड़ी का लुक दिखाता हूँ 3-2-1। सो गाइस यार देखो इंदौर में एक तो लोकेशन की कमी नहीं है, अगर मैं वहां बनाता ना तो नॉइज ज्यादा आता है। यहाँ पर सबसे पहले तो यार लुक्स देखो आप, टॉप वेरिएंट वाला फील तो अपनी जगह है बट मेन चीज मुझे जो लुक चाहिए था ना, स्पेशली व्हाइट के ऊपर जो ब्लैक कलर उठ के आता है ना, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही है यार। साइड से दिखाता हूँ आप लुक्स देख लो एक बार। अब रियर प्रोफाइल की ओर आए तो मैंने यहाँ पर फिल्म लगाई है। मेरे फ्रेंड भी आ गए थे फॉर्च्यूनर वाले, उनने पूरी तो एकदम जेड ब्लैक लगा के रखी थी। बोले थे शिवराज जेड ब्लैक लगा ले, मैंने बोला नहीं चालान का डर रहेगा। तो फिर मनीष भी आज जिनकी शॉप है वो बोल रहे थे 75% लगा ले जिसमें 35% विजिबिलिटी रहेगी, बट मैंने बोला नहीं मुझे तो मतलब 50% वाली चाहिए, जो मतलब एक बार में ऐसा लग नहीं रहा फिल्म लगाई है बट जो लुक आ रहा है ना नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और ये अब मैं अगर आपको फिटमेंट की बात करूँ ना तो ये जो पैनल था ना ये पैनल पूरा खुला है यहाँ से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो प्रॉपर इसकी फिटमेंट हो गई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रॉपर H2H पूरी हुई है, मतलब निकलने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला। पहला ही दिन है अभी कराई है, बाकी जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट अब यहाँ से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हो H2H फिटमेंट हुई है, तो प्रॉपर फिटमेंट करके रखी है। अगर मैं आपको चढ़ के भी दिखाऊँ यहाँ पर देख सकते हो, बट एक ही चीज़ है ब्लैक कलर ले रहे हो ना ये देखो, मतलब अभी आधा एक घंटा ही हुआ है रैप कराए हुए और मिट्टी खतरनाक हो चुकी है। बाकी दूसरी चीज़ ये कि यार गाइज ये जो रिप थी ना ये रिप उनने पूरी खोल दी, तो क्या है यहाँ और यहाँ पूरा मतलब नीचे जो उनने गम का भी यूज़ करा था बॉर्डर पे कि निकले ना, और ये स्ट्रिप लग गई है ना उसके बाद निकलने जैसा कुछ भी इशू नहीं आने वाला। शार्क फिन एंटीना हाइट ही रखा है। बाकी आप देख सकते हो प्रॉपर कैसी फिटमेंट लग रही है, एक बार मुझे बताना। पैनल एंड फ्रंट डोर तो सेम हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से फिटमेंट हो रखी है। लुक बताओ यार गाइस कैसा लग रहा है, एक बार दूर जाके बताता हूँ मैं आपको। अब इस लुक पे जो सादे ग्लासेस है ना फुल विजिबिलिटी वाले वो तो अच्छे ही नहीं लगते, तो मैंने सनशेड्स ऑर्डर कर दिए। मैं नेक्स्ट आके जेन्युइन लगाऊं बिकॉज कल होके पुलिस रोकती है ना तो मुझे कुछ दिक्कत ना है। वैसे भैया तो एडवोकेट है ही मेरा, इसलिए मैंने क्या है बैजिंग भी लगवा ली है पीछे यहाँ एडवोकेट की। बाकी लुक्स बताओ गाइस एक बार कॉमेंट में कैसे लग रहे हैं। एंड बजट की बात करें ना गाइस तो देखो मुझे किस प्राइस में हुआ है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज यार देखो मेरे फ्रेंड की शॉप है, और दूसरी चीज मैं हम मतलब कॉलैब कंटेंट भी बहुत सारे बनाते हैं, तो मुझे मतलब अच्छी खासी प्राइस रेंज में हो गया है। बट आप भी अगर कराने आ रहे हो ना तो 4-5 हज़ार के बीच का बजट बना के चलना, तो 4-5 हज़ार रुपये में अच्छा आ जाएगा। जैसा कि मैंने व्रैप्स भी बताए, रेडियम्स भी आते हैं, तो ये जो व्रैप है ना अच्छी क्वालिटी का है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अभी मुझे 4-5 दिन जब तक ये अच्छे से बैठता नहीं है उनने क्या बोलते हैं अपना पानी प्रेशर वाला पानी मारने के लिए मना करा है। बाकी स्पॉइलर पे देख सकते हो। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना थोड़ा बहुत आपको ये लगेगा कि यार थोड़ा अजीब अजीब कहीं लग रहा है, देखो अनइवन। बट मेन चीज़ क्या है ये रेडियम की टेप लगाई है उसके ऊपर, इसे अगर मैं चाहूँ तो 4-5 दिन बाद हटा सकता हूँ, पकड़ करने के लिए लगाई है। बाकी अंदर प्रॉपर फिनिशिंग है, लुक्स देख लो। ऑल राइट गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह से आया था मतलब यार फ्लोरिंग भी मैंने कराई तो पूरा दिन निकल गया, जैसा कि आपने क्लिप्स देख ली होगी, तो दोनों काम करा लिए। बाकी जो हॉर्न की बात है सायरन भी लगवाने की इच्छा है, बहुत सारे मॉड प्लान करके रखे हैं, सब पर वीडियो आएगी। बट यार ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।